ऐसे ही। तो उन्होंने जब रिसर्च की उस सीरियल किलर की, अच्छा उन्होंने जब रिसर्च की उस सीरियल किलर की, जब वो पकड़ा गया तो वो उसको पकड़ने के बाद ना जब उसके अपार्टमेंट में गए तो उन्होंने देखा कि उसके अपार्टमेंट की जो वॉल्स हैं, कैमरा पीछे देख रहे हैं, उस पे आपके हाथ का निशान आया, आपने पकड़ा ना। अच्छा सीरियल किलर की जब वो पकड़ा गया सीरियल किलर, तो उसकी जो जब अपार्टमेंट को उन्होंने रीस आपको ना छापा मारते हैं, देखते हैं कि इसका घर कैसा है, अपार्टमेंट में गए तो उसकी दीवारों के ऊपर ना लिद और पखाने की जो चीज़ें थी ना उसके निशानात थे, उसने पखाना मला हुआ था। अच्छा ये शेख हमजा यूसुफ ने एक वाकया बताया ये बताने के लिए कि ये जो कातिल होते हैं या ये जो बड़े बड़े जराइम करते हैं इनके ऊपर भी डीमंस और शयातीन का जो होता है उनके दिमागों पे साया होता है, सबके नहीं मगर काफियों के। अच्छा FBI के एक ऑफिसर हैं जॉन डिस्यूजा, आप मेरा नाम और जॉन डिस्यूजा का सर्च करें यूट्यूब पे गूगल पे तो आपको मेरा उनके साथ शो मिलेगा। उस शो में शाहजी उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने भी बहुत सारे सीरियल किलर और बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल जो बहुत घिनौने किस्म के क्या कहते हैं जिन्होंने क्राइम्स किए हुए हैं, वो FBI ऑफिसर अब तो रिटायर हो गए हैं, अब किताबें लिखते हैं और अब यू नो इंटरव्यूज देते हैं, उन्होंने उनके ऊपर भी जब उनको जो पकड़ा गया उन क्रिमिनल्स को, तो उनके भी जब घर गए तो उन्होंने ये सेम स्टोरी की कि उन्होंने दीवारों पे लिद मली हुई थी, पखाना मला हुआ था और बहुत गंदगी में रहते थे। तो शाहजी जो लोग ऐसे अमल करते हैं गंदगी वाले, उनका क्राइम से क्या ताल्लुक है, उनका जिन्नों के साथ क्या ताल्लुक है? देखें जिस इंसान पे शैतान कोई जिन हावी हो गया, कोई शैतानी मखलूक उस पे आ गई है, उसने उससे गैर इंसानी और गैर फितरी का काम करवाना है। अच्छा। और वो ऑटोमेटिकली जुर्म है उसकी नफ्सियात पे आके कि किस तरह उसके माइंड को कंट्रोल करके। अच्छा। उसके माइंड को उन्होंने कंट्रोल कर लेना है, ठीक है। अब इल्यूमिनाटी में जैसे जादू होता है, ये इल्यूमिनाटी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है वो ब्लड है, वो औरत का खून हो या औरत के मेंसेस का ब्लड, इन दोनों ब्लड को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, या फिर कोई इंसान कत्ल हुआ हो तो उसका खून वो उनको चाहिए, ठीक है। कि जो कि गैर इंसानी गैर फितरी चीज़ है वो उनको उतनी ज़्यादा तकबीयत देगी। शैतान जो है वो मजबूर करता है कि इंसान जो है वो गैर फितरती अमाल और गैर फितरी जो चीज़ें हैं वो करें, ठीक है। उसकी वजह ये है यार, पीछे तेरा तार निकाल देना बिलाल ऊपर वाली ना, हाँ बस ठीक है। वो ये वजह होती है कि वो इंसानों को वो उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं। अच्छा वो आप खून के बारे में बता रहे थे ना, इसकी भी थोड़ी सी बता देना कि क्या सिग्निफिकेंस है खून की और ये गंदगी की जादू के साथ। देखिए ना, अल्लाह ने जब इबलीस को निकाला, और मैंने वो आपके इंटरव्यू में मेंशन किया था वो पूरा वाकया कि इबलीस को जब निकाला गया उसने सजदे से इनकार कर दिया। अब देखें अल्लाह ने अपने सजदे से नहीं इनकार पे आदम वो फिर इबलीस को निकाला, अपने वली को सजदे से निकाला था इनकार पे, आदम को सजदे से, अपना सजदा नहीं, आदम को सजदा ना करने से आदम अलैहिस्सलाम को तब निकाल दिया था इबलीस को। इबलीस ने कहा अल्लाह मैंने 2 रकअत नमाज पढ़ी, 4000 साल की वो नमाज है, आसमानों पे मुझे उसका सिला दे। अल्लाह ने कहा ठीक है दुनियावी सिला ले ले, आखिरत में कुछ नहीं दूंगा। फिर अल्लाह से उसने अख्तियार मांगे, वो 5 अख्तियार आते हैं, उनमें से एक अख्तियार ये भी था कि मैं आदम के जिस्म में जो खून है ना उस खून की तरह मैं गर्दिश करूँ, उसके खून पर मुसलत रहूँ मैं, इसलिए खून की वही वैल्यू है। खून और पेशाब की एक वैल्यू है, आपके जिस्म की अगर आपने पेशाब किया तब भी आपको वजू करना पड़ता है, आपका खून निकल आया जिस्म के कट लग गया आपको तब भी वजू करना पड़ता है। और हम जब जानवर भी हलाल करते हैं तो जब तक उसका मुकम्मल खून नहीं निकलता वो हमारे पे हलाल नहीं। हाँ जी, हमें उसका एक तरीका बताएगा ज़िबा करने का कि हमें इस तरीके से ज़िबा करना है, नीचे से 4 रगे कटें, ताकि ये मेडिकल साइंस मान गई है, मेडिकल साइंस कहती है कि जी अगर आप पीछे से ज़िबा करते हैं जिसको झटका बोलते हैं बाहर मशीनों से जो करते हैं, झटके में ये होता है कि फौरन गर्दन उतर जाती है, जिस्म में जहाँ ब्लड है वहीं पे रुक जाता है, उससे वो खून आपको जो गोश्त है वो जरासीम वाला है उसमें से बैक्टीरिया नहीं खत्म होते। अच्छा जो हमारे यहाँ ज़िबा करने का तरीका उसमें 4 रगें कटती हैं, वो पूरे जिस्म का खून निकाल देती हैं और जो गोश्त में खून नहीं होता वो गोश्त आपके लिए कह रहे हैं वो आपके लिए प्योरीफाई हो जाता है, बैक्टीरिया से पाक हो जाता है वो। अच्छा शाहजी मैं दोबारा अपने सवाल पे आता हूँ, शेख हमजा यूसुफ वो FBI का ऑफिसर जॉन डिसूजा, उन्होंने सिमिलर एक बताया कि ये जो क्राइम जो किलर्स होते हैं सीरियल किलर्स हैं जो बड़े गिनौने जो क्राइम्स करते हैं, जो चिल्ड्रन रेप भी करते हैं, जो साइको होते हैं, उनके जब इनमें अपार्टमेंट्स देखे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का
पखाना पेशाब गंदगी नजासत, ये जो गंदगी और नजासत, ये नजासत शैतान की खुराक है, जिन्नों की और जिन्नों जी नहीं, मुसलमान जिन्नात की नहीं, शयातीन की। मुसलमान जिन्नात जो है वो लकड़ी खाते हैं, वो हड्डियां खाते हैं और ये कोयला वगैरह खाते हैं या गोश्त खाते हैं, और ये जो शैतानी जिन है ये खाते हैं नजासत। तो आप देखते सड़कों पे, आप जब सड़कों पे आपको जानवरों की गंदगी नजर आती है वो ऐसे साफ हो जाती है, वो किधर जाती है? वे जे शयातीन जिन्नात खाते हैं। अब जब ये जो काले जादू वाले हैं, ये जो अजीब किस्म के जो लोग हैं जो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ये जब प्रैक्टिस ऐसी करते हैं तो इसमें गंदगी और नजासत से इनकी हाजिरी शैतानी जिन्नों की होती है। हाँ जी, इन्होंने अगर शैतान से मदद लेनी है फिर इनको शैतान को खुश करना पड़ेगा। शैतान को खुश करने के लिए इनको औरतों से जना करना होता है, और कुछ ऐसे जादूगर हैं जो अपनी औरतों का जना करवाते हैं गैर मर्दों के साथ, फिर जो उसमें जो क्रॉस होता है, फिर जो लिक्विड होता है, जो सीमन होती है, उसको यूज़ करते हैं तावीज़ात लिखने के लिए, जादू लिखने के लिए।